हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग पोजीशन रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि हमें किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को जो है रेगुलरली अपलोड करता रहता है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यदि हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन आया CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस पालमपुर से। तो यहाँ पे इन्होंने मैसेज क्या रखा है, एप्लीकेशन इन्वाइटेड ऑन प्लेन पेपर विद बायोडाटा एंड सब अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ रिलेवेंट टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट फॉर हायरिंग द सर्विस ऑफ पर्सन फॉर टीचिंग कोर्स है। तो यहाँ पे जो है टीचिंग कोर्स के लिए यहाँ पोजिशन को निकाली गई है। तो ये मैं आपका गेस्ट फैकल्टी भी हो सकता है, आपका असिस्टेंट पोजिशन भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन में चाहिए तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में कॉन्टैक्ट आवर बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे पोजीशन जो है आपको यहाँ पे हायर किया जाएगा। और ये जो रहेगा वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए रहेगा, यानी कि आपका 1 ईयर के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आपका CV जो है वो एड लाइक सेंड करना है डीन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो आपके 23 फरवरी 2022 शाम 4 PM तक है, ठीक है। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो है www.hilaiagri.ac.in पर जाके जो है आप इसका जो है ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। अगर हमारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपका पर जो है मास्टर डिग्री के साथ साथ UGCSI NET या ICAR NET क्लियर होना चाहिए। आपका जो है मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए और आपका जो है प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी में आपका जो स्पेशलाइजेशन या एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ नेट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे आपका वो UGC हो चाहे आपका वो ICAR NET हो। वहीं अगर रेमुनरेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपको 500 पर कॉन्ट्रैक्ट आवर बेसिस दिया जाएगा, मैक्सिमम 25,000। PhD डिग्री होल्डर 700 पर कॉन्ट्रैक्ट आवर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 पर मंथ, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आवर को एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब क्या है। 1 कॉन्ट्रैक्ट आवर मीन्स 1 आवर ऑफ थ्योरी और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल अप टू 2 बैचेस, ठीक है। तो इस वे में जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट आवर बेसिस के बेस पे आपको यहाँ पे जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका जो है ज़्यादा और डिटेल जो है वो मैंसन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।